न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। एसडीएम रविंद्र यादव ने आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोंसीवास में बच्चों को पुस्तकें, फल और गर्म वस्त्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की धुरी है, शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है, इसलिए बच्चे मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करें। वहीं उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें ताकि बच्चे जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि आज के युग में पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पढ़ लिख कर अच्छी बातें सीखेंगे और श्रेष्ठ नागरिक बनते हुए देश के विकास में अपना योगदान देंगे। एसडीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं भी बच्चों की मदद के लिए आगे आ रही हैं और बच्चों को शिक्षा के लिए निःशुल्क किताबें, वर्दी और समय समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो जिनके पास स्वेटर नहीं है या कोई दिक्कत का सामना किसी भी वजह से वो कर रहे हैं, तो आज उनकी सहायता हेतु सरिया पठा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत भी है और आपका धन्यवाद भी है कि आपने सोचा इन बच्चों के बारे में, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो किसी भी कारण से स्कूल तक नहीं पहुँच पाए हैं। शायद आधार कार्ड ना होने की वजह से एडमिशन नहीं हुआ या कोई और रीज़न रहा। कई बार ऐसा होता है माता पिता अपने साथ लेकर जाते हैं और वो इनके एडमिशन नहीं कराते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, बच्चे रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। तो ये एक एनजीओ का बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि वो चाहे जितने भी साल के बच्चे हैं उनको एक साथ लाया जाता है, इस लायक इनको बनाया जाता है कि बच्चे एडमिशन दूसरे स्कूल में ले पाएँ। तो जो इनकी ये कमी तो टीचर पूरी कर रहा है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले पाएँ, इस लायक बन पाएँ, और आपने जो इनकी कमी पूरी की है वो भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सर्दी का टाइम है, और ये करके आपने इन बच्चों का, हम सब का एक मनोबल भी बढ़ाया है और इन बच्चों को बाकी बच्चों के साथ शामिल किया है कि वो भी एक ही धुरी के बच्चे हैं, इसी समाज के बच्चे हैं। और आपने एक संदेश भी दिया है कि अगर वो पढ़ने के इच्छुक हैं तो किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया, हम सभी टीचर्स का मनोबल बढ़ाया। एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं इस तरह से लोग कि हम भी खुश कर रहे हैं। ले लो।